ये रोल आपको कैसे मिला, किसने किसको अप्रोच किया? फैसल साहब ने मुझे अप्रोच किया था किसी और फिल्म के लिए पहले, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला मैं दूसरी फिल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये रोल करें इसमें। मैंने कहा ओके। जिज्ञासा, इसका मतलब क्यूरियोसिटी होता है। यस। तो हम भी काफ़ी क्यूरियस हैं इसके फिल्म के बारे में जानने के लिए। बेसिकली ये कहानी है एक लड़की के फेम अटेन करने की इच्छा और किस हद तक जाकर वो उस फेम को अटेन करना चाहती है और क्या उसकी ये अटेनमेंट उसको खुश करती है, क्या उसकी अटेनमेंट उसे इनर पीस देती है या उसे बर्बाद कर देती है। आप अपना रोल के बारे में डिटेल में समझाइए। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनी हूँ जो कि जिज्ञासा की कहानी को लोगों तक पहुँचाना चाहती है बेसिकली। और I'm quite arrogant as to I have to do it. I want to do it. I will do this documentary film at any cost. ये मेरा गोल है, तो मैं बनाती हूँ फिल्म और आप देखते हैं। जया, आपने टीवी और फिल्मों में काफी अलग अलग तरीके के रोल करे, अलग जॉनर्स के रोल करे, तो ये रोल आपका किस तरह से अलग है कि ये मार्वल? पिछले 3-4 सालों से मैं सिर्फ नेगेटिव कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर रोल उस नेगेटिव कैरेक्टर से फ़र्क है और मोर रियलिस्टिक है, यू सी, सो इट इज़ डिफरेंट। जब डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया इस रोल के, तो उन्हें आपको क्या ब्रीफ किया, कैसे रोल करना है, कैसे नहीं? उन्होंने कहा कि कुछ हद तक ये रोल आप खुद ही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आई मीन अगर मैं सॉरी ये रोल आपके मतलब रोलों से कितना अलग है जो आप पहले निभाए? काफ़ी अलग है, बिकॉज पिछले कई सालों से मैं सिर्फ नेगेटिव रोल्स करती आ रही हूँ, कुछ और करने को मिल नहीं रहा है, तो ये रोल पर्टिकुलरली कुछ काफ़ी रियलिस्टिक है। इट्स नॉट दोज यू नो हाई फंडा झींग झांग ठोइंग ठोइंग एंड क्रैश जूम्स एंड यू नो रशियन एंगल्स, वो सब नहीं है इसमें। काफ़ी इट्स अ रियल लाइफ कैरेक्टर काइंड ऑफ अ थिंग। तो उसने मुझसे कहा था कि जय जी ये कुछ हद तक जो आपकी लुकआउट टुवर्ड्स लाइफ है ना, बिल्कुल वैसा ही है, आप हैं इसमें। मैंने कहा ओके, तो मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सारे एक्टर्स और हैं, लेकिन मेरी ज़्यादा लोगों से काम नहीं हुआ। मैं बीइंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, मैंने कुछ लोगों को इंटरव्यू किया इस पर्टिकुलर फिल्म के दौरान, इज़ ऑल मतलब बहुत एक्सर्व्स में थे बेसिकली। ज़्यादातर मेरा काम अकेले अकेले में ही था, तो अदरवाइज द पीपल हु आर इन दिस फिल्म आर ऑल क्वाइट वेल प्लेस्ड एंड क्वाइट नोन ऑल्सो। वही तो मज़ा है। क्योंकि जैसे इस वक्त आप बैठ के यहाँ बोल रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन वहाँ मैं थोड़ी सीरियस सी यू नो इंटरव्यूअर हूँ, मैं ज़्यादा मुस्कुराती नहीं हूँ, एंड इट्स अ सीरियस काइंड ऑफ अ थिंग गोइंग ऑन, तो ऑब्वियसली मजाक मस्ती तो है नहीं, यू नो। अलावा इसके बिकॉज मैं फैसल को पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से जान रही हूँ दूसरी फिल्म के वजह से कि करना है ये, ऐसा है, ऐसा करेंगे, तो उनके साथ काफ़ी अच्छी रैप होती, लाइक कभी मुझे लगा कि ये नहीं बोलना चाहिए, तो ही गेव मी इनफ छूट टू यू नो चेंज माई लाइन इफ़ आई वॉन्टेड टू, इफ़ आई फेल्ट लाइक, एंड इट वॉज़ राइट देन ऑब्वियसली। मतलब कभी कभी उसने मुझे बोल दिया कि हाँ कर लो ना, आप बेटर बेटर जानते हो। मैंने कहा नहीं, तुम डायरेक्टर हो, तुम मुझे बताओगे कि मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। नहीं, यू सो पॉलिश। मैंने कहा नहीं, मैं एक मिट्टी का लोदा हूँ इस वक्त आपके सामने, आप जैसा गढ़ाओगे मुझे मैं वैसे गढ़ूँगी उससे, लेकिन आप मुझे बताओगे कि मैं ये जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। इट वॉज क्वाइट फन, इट वॉज डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। चांद साहब को मैं फिल्म साइन करते वक्त मिली थी एक बार, उसके बाद फिल्म आधी मैंने कर ली थी, उसके बाद मिली। और इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ही राइट्स, ही बहुत ज़हीन नफासत से भरे हुए इंसान है,
मजाक भी करते हैं लेकिन बड़ी ही अदायगी में, बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करने में, स्पेशली जब फ़ोन पे बात की जाए उनकी भाषा सुन के मुझे बड़ा मज़ा आता है। जो टाइटल सॉन्ग है स्पेशली जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है आप अगर सुनेंगे तो सॉन्ग को, तो बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। वो जिज्ञासा जो है इज़ बीन हाईलाइटेड इन अ सॉन्ग विच इज़ वेरी सूफीस्टिक काइंड ऑफ अ सॉन्ग, यू नो इट्स एंड ऑल द सॉन्ग्स बहुत ही कानों को सुरीले लगने वाले सॉन्ग्स हैं, अच्छे लगने वाले सॉन्ग्स हैं। एक आइटम नंबर भी है, वो तो मैंने देखा नहीं, बस सुना ही है एक दफ़ा, लेकिन अच्छे हैं, आई मीन क्वाइट नाइस। आपका फेवरेट कौन सा है, आइटम नंबर के जिज्ञासा का टाइटल सॉन्ग? जिज्ञासा का टाइटल सॉन्ग। कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो सेट्स पे जो आपको अभी तक याद हो या जो आपको आज भी सोच के हंसी आ जाती है, कोई इंसिडेंट कोई ड्रंक किसी ने प्ले करा हो? हाँ, अजय का बर्थडे था, हमें भी नहीं पता था एक्चुअली, और सबने केक लेके आए और अजय को बुलाया गया कि बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, सबको बोला गया मीटिंग हो रही है, लाइक केक एंड उसके केक मुँह पे मला गया, वो सबसे बेस्ट था बिकॉज ही डिडंट इवन एक्सपेक्टेड एंड ही इट वाज जस्ट अ लवली मोमेंट बिकॉज ही स्टार्टेड ही गॉट टीयर्स इन हिज आईज एंड स्टफ, ने कहा यार ठीक है, मतलब इट वाज नाइस, इट वाज नाइस, इट वाज वेरी नाइस जेस्चर ऑन द प्रोडक्शन टीम एंड द डायरेक्टोरियल टीम्स पार्ट। मैंने काम किया ही नहीं है उनके साथ। आप इस मूवी से और अपनी परफॉर्मेंस से क्या एक्सपेक्ट करती हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपनी परफॉर्मेंस से और मूवी एज अ होल? पसंद की जाए इज ऑल, एक्सपेक्टेशंस मैं कभी कुछ किसी भी चीज़ के लिए रखती नहीं हूँ, तो इसके लिए क्यों रखती? जया को हमने टीवी में और फिल्मों में अलग अलग तरह के रोल्स में देखा है, आगे किस आगे मैं ना टीवी से गायब हो जाऊंगी, फिर गायब के रूप में देखेंगे। क्योंकि इस वक्त मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जिसे करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा हो, मैं बुरी तरह से बोर हो चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, और ये कई बार बोल चुकी हूँ मुझे नहीं करना, मुझे गायब कर दो यहाँ से, तो जिस दिन ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा उस दिन गायब हो जाऊँगी। मोस्ट वेलकम।